दोषण प्रकाशन ग्रंथ चार अनियों की चर्चा अपनी चल रही है। इसमें अब तक अपन ने पंचमा नियम और चरणा नियम का प्रयोजन पढ़ा। चरणा नियम का प्रयोजन क्या है अपने कल बात भी पढ़ी थी। पेज नंबर इसमें मेरे इसमें 270 आपके इसमें देख लेना 270 होना चाहिए। ये बात पढ़ी थी अपन ने कि करना नियम के अभ्यास में उपयोग को लगाता है तो उससे केवल ज्ञान द्वारा देखे गए पदार्थों का जान पाना इसके द्वारा होता है। यानी इसमें जो वर्णन है वो बिल्कुल सूक्ष्म है क्योंकि ये केवल ज्ञानी ने केवल ज्ञानी केवल ज्ञान गम्य पदार्थों का निरूपण इसमें होता है। केवल ज्ञानी द्वारा तीन काल देखे गए हैं, अत्यंत सूक्ष्मता से पदार्थ देखे गए हैं। जब हम भी उतनी सूक्ष्मता से पदार्थों का विवेचन पढ़ते हैं हमें केवल ज्ञान की महिमा का भी बोध होता है, केवल ज्ञान के स्वरूप का भी कुछ बोध होता है कि केवल ज्ञान कितना महान है, उस ज्ञान का बोध होता है। अब देखो आगे चरणा नियोग का प्रयोजन। अब चरणा नियोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणा नियोग किसका निरूपण है? चरणा नियोग में श्रावक और मुनियों के धर्म आचरण करने का विधान है। श्रावकों और मुनियों के आचरण धर्म आचरण का है। अब चरणा नियोग का प्रयोजन कहते हैं, चरणा नियोग में नाना प्रकार धर्म के साधन निरूपित करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। क्या करते हैं? नाना प्रकार के धर्म के साधन, ये साधन पूजन करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, सब साधन है, ये साधन ही है। नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करते हैं, इस प्रकार से जीवों को धर्म में लगाने के जिस प्रकार से नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करके इसमें जीवों को धर्म में लगाते हैं, ये इसकी शैली। जो जीव हिताहित को नहीं जानते, हिंसादिक पाप कार्यों में तत्पर ही रहते हैं, उन्हें जिस प्रकार पाप कार्यों को छोड़कर धर्म कार्यों में लगे उस प्रकार उपदेश दिया है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए वे जीव गृहस्थ धर्म और मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसा सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। क्या कह रहे हैं हम? देखो जो जीव हिताहित को नहीं जानते, कुछ नहीं जानते अपने हित को, हित को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, एकदम प्राथमिक भूमिका वाले जीव हैं। धर्म करना तो चाहते हैं लेकिन धर्म क्या है, मेरा हित किसमें है, हित किसमें नहीं जानते। हिंसा अधिक पाप कामों में तत्पर रहते हैं, रात दिन धंधे पानी में, झूठ बोलने में, चोरी करने में, पांच पापों में तत्पर है। तो उन्हें क्या किया कि जैसे भी ये पाप छोड़े और ये धर्म कार्यों में लगे उसको उस प्रकार से उपदेश दिया, यानी ताकि वो लौकिक जो है घर गृहस्थी के और व्यापार आदि के पाप कार्यों से कुछ विरक्ति हो, उसको कुछ वहाँ से कुछ हटे, कुछ थोड़ा समय वहाँ कम करे। क्योंकि नहीं तो क्या है कि जीव तो उसी में रचा बचा है, तो उसको इसलिए जिस प्रकार से अनेक साधनों का निरूपण करके उसको वहाँ से हटाकर, पाप से हटाकर और धर्म मार्ग में धर्म कार्यों में उसको लगाते हैं। पूजन करो, विधान करो, स्वाध्याय करो, सामायिक करो, जाप करो, मंदिर आओ, कलश करो, ये सब उसके साथ है। क्योंकि आदमी नहीं तो क्या करता था 24 घंटे? दुकानदार, घर गृहस्थी, महिलाएं जो है सुबह से किचन में घुस जाती है, उनका सुबह शाम किचन में गुजर जाता। आदमी लोग सुबह से शाम तक दुकान में बैठे रहते, दोनों पाप कार्यों में तत्पर रहते हैं, दोनों सोचते हैं कि हम बिल्कुल सही काम कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, बिल्कुल पुरुषार्थ कर रहे हैं, एकदम कोई कमी तो कर नहीं रहे, पुरुषार्थ में
कितना पुरुषार्थ कर, कितनी मेहनत कर रहे हैं, और जो कर्तव्य हम अपने कर्तव्य को दायित्व को पूरी तरह से निभा रहे हैं। महिला सोचती में अपने दायित्व को पूरी तरह से निभा रही, पति पति प्रायण बिल्कुल घर के लिए कितनी सेवा कर रही, इतने मैंने मीठे बनाए, इतने नमकीन बनाए, सब परिवार वालों के लिए कितना कुछ कर रही, घर वालों भी उसको अच्छे से बहुत कितनी अच्छी बहू मिली है जो है दिन भर चौके में लगी रहती है। तब जबकि वो कहते हैं कि इसमें उसका महा अहित है, इतनी है, क्योंकि वो कौन सा उसने कौन सा धर्म कार्य किया, तो पाप कार्य भी तत्पर है और ये दुकान भी तत्पर रहा, ये पाप कार्य भी तत्पर है। दुनिया में क्या है, धर्म वास्तव में किसी को करना भी नहीं है, सच्ची बात ये है। मतलब लोगों को बेटा कैसा चाहिए जो पैसा कमाए, बाप कैसा चाहिए जो पैसा कमाए दुकान में बैठे, उसको कोई मतलब नहीं है कि वो पिताजी धर्म ध्यान में लगे, पत्नी कैसी चाहिए जो सेवा करती है। मतलब लोगों बात कितनी करें, लेकिन यदि थोड़ा भी अपने स्वार्थ में कमी पड़ती हो अच्छा ही लगता है, और अपनी सेवा करती रहे अपने कुछ नहीं। तो अब उन लोगों को इसलिए चरणादियों का उद्देश्य होता है कि भैया थोड़ा एक काम करो, तीर्थ यात्राएं करा लो, क्यों, क्योंकि नहीं तो बारह महीने धंधे में लगे करते हैं, उनको फुर्सत ही नहीं दुकानदारी से, तीर्थ यात्रा करना धर्म है, क्यों, क्योंकि यदि इनको तीर्थ यात्रा का उद्देश्य नहीं देंगे तो दुकान के बंद ही नहीं करेंगे, पक्का है तैयार है। ऐसे लोग हैं कई जो कि जिंदगी भर कोई तीर्थ क्षेत्र की यात्रा भी नहीं हो पाती उनसे। मैं बड़नगर में गया था एक बार अपने प्रवचन के लिए, तो एक आदमी से मैंने कहा कौन कौन से क्षेत्र तुमने घूमे, कहाँ कहाँ की यात्रा हो, तो वो सोचता रहा, वो सोचते सोचते फिर बोले सिद्धवलपुर कौन बढ़ो, अच्छा कम से कम चलो उतनी हुई नजदीक में है ना, तो एकदम सिद्धवलपुर कौन बढ़वाने की तरह पास में शिखर जी हुए, और सामान तो बहुत दूर है को अपने से अपन कहाँ जा सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या ट्रेन जाती है एक दिन में पहुँचाती, एक दो दिन तो हम घर छोड़ के जा ही नहीं सकते, एक रात ही घर छोड़ के नहीं जा सकते, क्यों क्या दिक्कत है। बोले अपने सराफे का काम है, तो मैंने सराफे के काम से क्या दिक्कत है, वो सराफे का काम नहीं, नहीं सब माल घर में पड़ा है, घर छोड़ के कैसे चले जाए, और कोई यात्रा नहीं की उन्होंने अब तक सच कुछ, और वो थोड़े दिनों में हो सकता है वो जिंदे भी होंगे कि नहीं अभी तक क्या पता, परंतु नहीं भी होंगे तो भी थोड़े दिनों में चले जाएंगे निश्चित रूप से, नहीं उनकी तबीयत भी ऐसी है, मतलब मैं कोई मजाक नहीं कर रहा, परंतु उनको नहीं है स्वभाव नहीं। तो अब उनको मैं ये कहूँ क्या कि तुम ये पढ़ो, क्या प्रवचन सार पढ़ो, रुद्र संग्रह पढ़ो, तो उनके लिए क्या, मैं तो उनको कहूँगा एक काम करो, सबसे पहले यात्राएँ करो, ताकि ये थोड़े सराफे वराफे के और सोने चांदी के इनसे सबसे थोड़ा दिमाग तो वहाँ से हटे, वहाँ से वो तो दिमाग ही वहीं घुसा हुआ है उस आदमी, तो ऐसे जीवों को जो बिल्कुल पाप कार्यों में ही तत्पर है, ऐसे जीवों को चरणानियों नाना प्रकार के धर्म के साधन का उपदेश देकर उनको धर्म कार्यों में लगाते, कार्यों में धर्म धर्म के कामों में लगाएंगे, उनको जो एक्टिविटी देंगे करने की, और वो एक्टिविटी ऐसी होगी जो पाप से हटाएगी उनको। अभी तक कार्य में लगे हुए थे पाप कार्य, और पाप कार्य में लगेगा तो महाबुरा होगा क्या, और एक कार्य तो उसको कुछ करना है, हर आदमी को कुछ ना कुछ तो करना है, देखो क्या आदमी है, तो आदमी को आदमी की जो वृत्ति है वो वृत्ति तो कुछ ना कुछ करने धरने की है, फिर करता तो बुद्धि तो उसकी मिटी नहीं है। तो अब यदि अपन उसको पाप काम है उसको धर्म कार्य का उद्देश्य नहीं देंगे, कुछ क्रिया का उद्देश्य नहीं देंगे, और कहेंगे कुछ नहीं धर्म तो क्या है, धर्म तो कुछ नहीं, हाथ पे हाथ रखते बैठना, तो वो उससे नहीं बनने वाला। तो उसकी भूमिका के लिए यही कहा जाएगा कि तू मंदिर में आ, विधान कर, पूजन कर, जाप कर, सामायिक कर, लोगों को यात्रा करा दे, खुद यात्रा कर, क्या दान कर, क्योंकि वो पैसा भी नहीं लगाने वाला, मतलब पैसे में इतनी आसक्ति ना उन लोगों, तो इसलिए ऐसे जीवों को सारे एक्टिविटीज़ बता के, चरणानियों का काम एक्टिविटी, देव पूजा करो, गुरु उपासना करो, स्वाध्याय करो, संयम करो, तप करो, दान करो, ये नाना प्रकार के धर्म के साधन निरूपित करते, धर्म कार्यों का निरूपित करता है बहुत सारे, और उसका एक ही है जिस जिस प्रकार पाप काम को छोड़े। यहाँ जो है ना, यहाँ ये कोई सीधे धर्म में नहीं लगाता, मतलब धर्म मतलब ये कोई सीधे सम्यक दर्शन की प्राप्ति,
सम्यक ज्ञान, सम्यक चैत्र, वेद विज्ञान, ये सब वहाँ तक नहीं पहुँचाएगा। इसका काम तो मेन है, इसका काम है पाप से छुड़ाकर पुण्य कार्यों में लाना। और पाप कम भी हो जाए तो भी इसकी उपलब्धि, क्या यदि सातवें नरक से सातवें नरक की जगह पहले नरक में भी हो जाए तो भी कोई उपलब्धि, क्योंकि नहीं तो वो तो महाविकार हो सकता ये। इसलिए जिस प्रकार से पाप कामों से छुड़ाता है, और पाप कार्यों से छुड़ाने के लिए नाना तरकीबों से जिस प्रकार से उपदेश देता है, क्योंकि पाप में तो जीव का महाविकार है। क्या कम से कम पुण्य कार्यों में लगा रहेगा तो परंपरा से मोक्ष मार्ग की प्राप्ति होगी, और पाप में लगेगा तो खोटी गतियों में जाएगा और धर्म की वासना भी नहीं रहेगी, नरक निगोद चले जाए, खत्म काम। तो इसलिए ये सब कार्य को उपदेश देता है। उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सम्मुख हुए, जो धर्म का आचरण करना चाहते हैं, वे जीव क्या करते हैं, गृहस्थ धर्म का विधान सुनते हैं, मुनि धर्म का विधान सुनकर अपने से जैसा सदे जैसे धर्म साधन करते हैं। भैया ये देखो तुम्हें पूरा धर्म करना है कि मुनि धर्म है, ये नहीं सकता है गृहस्थ धर्म, गृहस्थ धर्म में ये धर्म है। उन्हें कोई भी आदमी मंदिर आया पूछे कि मेरे को धर्म करना है साहब क्या करें, तो चढ़ना नहीं हो कहेगा अच्छा ही दो प्रकार के धर्म हैं, एक मुनि धर्म एक श्रावक धर्म, यदि तुमसे मुनि धर्म बनता है तो ये अंगीकार करो सर्वोत्कृष्ट यही है, यदि तुम पांच पाप पूरी तरह से छोड़ देते हो तो छोड़ सकते हो तो बहुत ही अच्छा, और यदि संपूर्ण रूप से पांच पाप छोड़ने को समर्थ नहीं हो तो फिर कम से कम एक देश छोड़ कुछ तो करो, ऐसा एक्सट्रीम वाला काम नहीं। या तो मैं ब्रह्मचर्य धारण करूँगा और या फिर मैं जैसी तैसी मेरी मर्जी में आएगा वैसा जी, ऐसा यदि वो नहीं सकता है तो गृहस्थ धर्म का निरूपण करेगा। गृहस्थ धर्म वास्तव में कहने के लिए गृहस्थ धर्म माने जिससे मतलब गृहस्थी में रह कर पापों का एक देश त्याग करना, समझ में नशाओं के योग्य आचरण के साथ जैसा अपने से सत्ता हो वैसे गृहस्थ धर्म का मुनि धर्म का। फिर गृहस्थ धर्म पूरा वर्णन करेगा श्रावक के 12 व्रतों का 11 प्रतिमाओं का सबका निरूपण करेगा। यदि मुनि धर्म किसी की इच्छा है तो उसके योग के 28 मूल गुणों का 36 आचार्य तो सबके जिसको जो बनना है जिसको जैसा धर्म करना है उसको उसकी धर्म की सारी क्रियाओं का वर्णन करें। यदि तुम संपूर्ण रूप से छोड़ने में सब छोड़ना चाहते हो तो ये उसका विधान ये है, यदि तुम श्रावक धर्म पालना चाहते हो तो इसका विधान ये है, तुम देख लो अपनी क्या सामान। दुकानदार होता है माल होता है था माल कहाँ से चालू करता है दुकानदार, सबसे ऊंचे से, जैसे किसी साड़ी वाले की दुकान पे जाओ सबसे पहले वो एकदम अच्छी वाली ऊंची वाली साड़ी बता बताना चाहिए उसको, यदि वो दुकानदार सही साड़ तो। यदि वो सीधे हल्की वाले से चालू करता है तो वो दुकानदार दुकानदार ही नहीं बना, क्यों हल्की से चालू करने में क्या नुकसान है, एक तो जिसकी क्वालिटी जो क्वालिटी वायर होगा वो देख के यहाँ ऐसी चीजें रखता है भाग जाएगा वहां से। दूसरी बात ये कि यदि कोई अच्छी मतलब किसी का जेब में माल भी होगा हल्की फुल्की खरीद के चले जाएगा, और यदि ऊंची से चालू किया वो उसने थोड़ी बहुत वो दिखाना चालू की नहीं ये तो नहीं तो फिर नीचे आ जाता और दूसरा ही माल है चालू ऊपर से किया जाता है, समझ में ना, तो ऐसे वो ऊपर से चालू करेंगे और वो मालूम है कि नहीं ले सके नीचे आ जाए। लेकिन निरूपण पूरा ऐसा नहीं कि ये ऊपर से चालू किया माल बताया 25,000 का 25,000 रुपये देने पड़ेंगे, ऐसा नहीं फिर 25,000 की जगह 24,000 में 25,000 में माल माल पूरा 100 टन जितनी जेब में अंतिम पैसा होगा माल तो उतने का मिलेगा, माल तो कम का दे ऊंचा चाहो ये नहीं, ऊंचा माल दिखाया है अपनी सामर्थ्य देख लो जेब में कितने पैसे हैं, यदि जेब में इतने हैं तो बहुत बढ़िया है फर्स्ट क्लास, यदि जेब में पैसे कम हैं तो फिर तुम्हारे लिए दूसरा ही बताया था, क्योंकि हमारे पास माल सब तरह का बिना माल लिए नहीं जाएंगे क्या, और जेब में जितना होगा उतने का ही माल मिलेगा, तुम चाहो कि हमारे पास 5,000 का माल 5,000 जेब में है और हम 25,000 का माल ले लें, 25 का नहीं मिलेगा लाला जी, 5,000 में 5,000 का ही मिलेगा, यदि तुम 5,000 में 25 का लेने जाओगे तो 5,000 का भी नहीं मिलेगा कुछ और ही टिपा देगा, समझ में ना, जिस जो जिसके योग के जैसा आचरण है।
उसे जानकर जो धर्म आचरण करने को सन्मुख हुए वे जीव गृहस्थ धर्म मुनि धर्म का विधान सुनकर आपसे जैसे सदे वैसे धर्म साधन में लगते हैं। ऐसे साधन से कषाय मंद होती है सीधे तत्काल। जो भी धर्म साधन करेगा, धर्म की किसी भी अंग में लगेगा, कोई भी कार्य में, अरे अभी मंदिर भी आएगा तो भी उसकी कषाय मंद हो जाए। मतलब मुख्य रूप से गौण छोड़ दो लेकिन मुख्य पने से जो धर्म साधन करने के लिए मतलब धर्म बुद्धि से ही आना है तो वो तो किसी भी धर्म साधन में लगेगा तो उससे तत्काल ये फायदा होगा कि उसकी कषाय क्या होगी, मंद हो जाएगी। और उससे इतना तो होता है कि कुगति में दुख नहीं पाते हैं, खोटी गति में नहीं जाएगा उचित, किंतु सुगति में सुख प्राप्त करते हैं। अच्छा साता वेदनी का उदय रहेगा क्योंकि कषाय बंद होगी, पाप नहीं बंधेगा, पुण्य बंधेगा, पुण्य बंधेगा तो उससे देवगति में जाएगा तो दुख नहीं भोगेगा, सुख ही प्राप्त करेगा, सुख माने सांसारिक सुख। तथा तो ऐसे साधन से जन्मत का निमित्त बना रहता है, इन साधनों से मैंने जैन धर्म का निमित्त बना रहता हूँ, उनको जिन धर्म का निमित्त माने मैंने जिन धर्म का निमित्त बराबर बना रहेगा, मतलब कि जिनवाणी की प्राप्ति होने का अवसर बना रहेगा, धर्म असली धर्म का स्वरूप समझने का अवसर बना रहेगा। क्यों? क्योंकि वो उस क्षेत्र में बैठे हैं जिस क्षेत्र में उसकी चर्चा होती है। मंदिर आएगा तो जिनवाणी हो सकता है किसी दिन स्वयं सुन ले अथवा तो स्वयं पढ़ ले, क्योंकि वो यहाँ जिस क्षेत्र में आया उस क्षेत्र में जिनवाणी और धर्म के अलावा तो कुछ है ही नहीं। और यदि वो यहाँ आएगा ही नहीं, बाहर ही रहेगा, तो उसके लिए तो कोई अवसर ही नहीं। जितने लोग धर्म सुनने को बैठते हैं या धर्म सुनने की इनकी रुचि जागृत होती है, वो जिनको धर्म बुद्धि होती है वही बैठते हैं, कच्चा मटेरियल वही है। क्या जिनको थोड़ी बहुत किसी प्रकार से धर्म में रुचि होती है, जिनको किसी प्रकार की रुचि नहीं होती है उनको धर्म का निमित्त ही नहीं होता। तो धर्म का निमित्त नहीं बना रहेगा तो धर्म की क्या प्राप्ति होगी? कोई घर बैठे 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 किसी को थोड़ी एकदम जो है धर्म की प्राप्ति हो जाएगी। साधन तो उसके जहाँ होंगे वही होंगे ना। क्या कोई बैठा बैठा घर के अंदर ही बैठा बैठा जो है इंजीनियर बन गया, बैठे बैठे डॉक्टर बन गया, IAS ऑफिसर बन गया, नहीं वो जिस स्कूल में जाएगा स्कूल में निमित्त बने रहेंगे उसके पढ़ने के, योग्य उसको साधन मिल गया तो वो इंजीनियर डॉक्टर बन जाएगा। ऐसे धर्म क्षेत्र में आएगा, धर्म क्षेत्र में धर्म के सब साधन बने रहेंगे तो उसको धर्म की प्राप्ति का साधन बना रहेगा। किसी काल में हो सकती है, हो जाए जरूरी नहीं है, ध्यान रखना। तो निमित्त बना हुआ है, साधन बना हुआ है, मतलब स्कूल गया हुआ है तो उसको साधन है इंजीनियर डॉक्टर बनने का, बन जाएगा कोई गारंटी। तो ऐसे साधन से जन्मत का निमित्त बना रहता है और वहाँ तत्व ज्ञान की प्राप्ति होना हो तो हो जाती है, किसी को हो भी जाती है। यदि साधन बना है कभी कदाचित तत्व ज्ञान में उसकी रुचि हो गई तो वो प्राप्त कर लेता है, तत्व का स्वरूप समझ लेता, जान लेता है जैन धर्म क्या है, उसकी रुचि हो जाती है तो जैन धर्म के कहे गए तत्व को भी समझ जाता है। ये फायदा तथा जो जीव तत्वज्ञानी होकर चरणानियोग का अभ्यास करते हैं, ये तो पहली भूमिका लोगों ने कहा कि भाई चरणानियोग के अभ्यास से जीवों को परंपरा से तत्वज्ञान की प्राप्ति हो जाती है, क्योंकि वो इन धर्म के साधन अंगीकार करते हैं, साधनों में लगते हैं तो उनको जिनवाणी का निमित्त मिल जाता है। अब कह रहे जो जीव ने तत्वज्ञान कर लिया उनको पढ़ना चाहिए, नहीं पढ़ना चाहिए? हमने तत्वज्ञान कर लिया और हमें पढ़ना चाहिए, ऐसा कोई प्रश्न करे तो उसके लिए उत्तर है जो जीव तत्वज्ञानी होकर इस चरणानियों का अभ्यास करते हैं उन्हें यह सर्व आचरण अपने वीतराग भाव के अनुसार भाषित होता है। उन्हें ये इतना भी आचरण है वो जानते हैं कि वीतरागता के हिसाब से ही भाई कोई भी वस्तु का त्याग कराया है, अंतर में वीतरागता होती है तो उस वीतरागता होने पर इस जाति का राग खत्म होता है, जब राग खत्म होता है तो वस्तु के त्याग सहज होता ही होता है। इसलिए यहाँ जो लिखी है वो अलग से राग घटने पर ये सब चीजें आती है। अंतर में जो वीतरागता हुई तत्वज्ञानी को तो वैराग्य सुख कर और राग भाव दुख कर लगता है, आश्रव बंध संबंध रजा की पहचान है उसको, रागादि प्रकट थे दुख दे, रागादि भाव दुख रूप लगते हैं और आत्महित हेतु वैराग्य ज्ञान, आत्मा का हित करने वाले वैराग्य और ज्ञान के लगते हैं उसको सुख कर लगते हैं। तो वो वैराग्य और ज्ञान
का उसको अभ्यास, मतलब वैरागी की जो है, वैरागी की उसको पहचान है, तो उसको जितना भी आचरण है वो सारा आचरण उसको अपने नीतराग भाव के अनुसार बराबर यथार्थ भाषित होता है कि यहाँ जितनी बात लिखी है बिल्कुल बराबर है। अंदर में जब राग घटता है तो इस जाति के, इस जाति का त्याग होता ही होता है। अंदर में जब रसना इंद्रिय का राग घटता है तो अवक्ष का त्याग होता ही, ऐसे बराबर उसको उसके अपने भाव के अनुसार ही भाषित होते हैं। माने को ऐसा नहीं कि तत्व ज्ञान से कुछ अलग जाएगा, क्या जिसने तत्व ज्ञान किया है उसको सारा आचरण भी अपने भाव के अनुसार ही लगेगा, कोई भाव के अलग नहीं लगेगा। समझ आने की बात कुछ, एक देश और सर्वदेश वितरकता होने पर ऐसी श्रावक दशा उन्नी दशा होती है, क्योंकि इनके निमित्त निवृत्ति को न पाया जाता है। ऐसा निमित्त निवृत्ति संबंध है, जो अंदर में वितरकता होती है बाहर में श्रावक के व्रत आए बिना रहते नहीं। अंदर में जब इतनी वितरकता होती है, इतना वैराग्य, तो बाहर उन्नी दशा आए बिना निवृत्ति। सर्वदेश, एक देश माने श्रावक दशा, सर्वदेश माने उन्नी दशा, श्रावक श्रावक एक देश वितरकता में शामिल है। नहीं बोला देश नहीं, एक देश माना आंशिक, यह एक देश का अर्थ है आंशिक, तो सर्वदेश माने पूर्ण। तो आंशिक वितरकता होने पर शावक के व्रत अधिक होते हैं, पूर्ण वितरकता होने पर मुनि के व्रत होते हैं। ऐसा वितरकता के अनुसार ऐसा निमित्त निवृत्तिक संबंध है, जैसे जैसे अंदर में वितरकता होती होती है वैसे वैसे बाहर में इस जाति का आचरण आए बिना रहता नहीं। ऐसा ये निमित्त निवृत्तिक संबंध जैसे उनको भाव में वितरकता हासिल होती है उसके अनुसार इसको पढ़ते हैं, उसके अनुसार व्रत अधिक धारण करते हैं। जिसको जो इंसान योग पहले मिल जाए, ऐसा हार्ड एंड फास्ट कुछ भी रूल नहीं है अपने यहाँ कि पहले ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए फिर ये होना चाहिए। तत्व ज्ञान होना चाहिए तो सही, कुछ नहीं है, व्रतादिक धारण करके भी तत्व ज्ञान कर सकता है। यदि सच्चा व्रतादिक धारण करेगा तो तत्व ज्ञान का अभ्यास करेंगे, वो तो अटकने के लिए मना है, लेकिन व्रत धारण करके तो और अच्छा है ना, समय मिलेगा अच्छे से उसको। क्या यदि सच्चे व्रतादिक धारण करेगा तो तत्व ज्ञान में उसको सहायता ही मिलेगी, तत्व ज्ञान में शिथिल नहीं होगा वो, क्योंकि फिर सब हिंसा झूठ चोरी पाप परिग्रह पांच पापों से बच गया तो बाकी समय का करेगा क्या, मतलब कोई गप्पे लगाने का टाइम ही नहीं, कोई समय समय तो जो है समय समय है, तो समय इधर उधर जब नहीं पास करेगा तो अपने आप तत्व ज्ञान में लगे बिना रहेगा ही। अथवा तो यूँ भी है कि भाई वो मतलब तो पाप छोड़ के उसको इसमें भी लगाएंगे ना, चरणानियोग ऐसा तो ही नहीं, चरणानियोग केवल छोड़ने ही छोड़ने ही कहता है, चरणानियोग धर्म के साधन करने की भी कहता है, चरणानियोग ही कहता है कि स्वाध्याय भी करो पूजन भी करो सामायिक करो, तो वो उन कार्यों में लगे क्यों नहीं लगे, अपन कैसे मानो नहीं लगे, कोई बात तो ही नहीं। बिना तत्व ज्ञान के व्रत आदि कोई इच्छा से या उसके अनुरूप करने लग जाएंगे, नहीं मतलब क्या इच्छा से, मतलब कोई चीज की चाहना कि भी मैं व्रत रखूंगा तो मुझे मिल जाएगा, नहीं नहीं देखो धर्म बुद्धि से ही बात करते हैं अपन, तो लौकिक ख्याति पूजा लाभ वाले तो अपन ने काय में डाला उसको, नहीं तो वो व्रताधिक धारण करेगा उसके पश्चात भी यदि धर्म बुद्धि से करे, धर्म बुद्धि से तो करेगा तो ही वो कार्यकारी, धर्म बुद्धि से नहीं करेगा तो कुछ भी कार्यकारी नहीं। तो इतना तत्व ज्ञान तो उसको होना ही चाहिए, वो तो पाठशाला का ज्ञान इतना तो होना ही चाहिए, धर्म के फल में लौकिक ख्याति पूजा लाभ नहीं वांछा करना, वो तो निष्फल है, वो करे तो सब कुछ निष्फल। तो अपने आत्मित के लिए जो कर रहा है अपन तो उसी की बात करो ना, आत्मित के लिए भी व्रतादि धारण की जाती है, ठीक है। किसी ने व्रतादि धारण किए समझ, व्रतादि धारण करने का मतलब क्या, देखो अपन व्रतादि धारण करना मतलब बहुत ऊंची बात, हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं करना, यही है ना, पांच पापों का एक देश त्याग किया उसने, और अब उसकी धर्म बुद्धि है, धर्म चीजों को पढ़ेगा स्वाध्याय करेगा विचार करेगा तो बहुत सारी भूल अपने आप मिटेगी। और यदि वो पांच पापों का त्याग ही नहीं करेगा और पांच पापों में रचा पचा रहेगा
तो उसको स्वाध्याय का अवसर ही नहीं मिलेगा, वो उस जाति का उसको चांस ही नहीं है उसको क्या। तो ये तो अपने जीवन में भले ही आज अपने नियम प्रतिज्ञा नहीं ले रखी है, फिर भी अपना जीवन बहुत कुछ अनुव्रत रूप है क्या। जैनियों का जीवन इतना बिगड़ा हुआ नहीं है अभी, जो धर्म बुद्धि से धर्म कर रहे हैं उनकी कह रहा हूँ, मैंने वो ऐसा नहीं किसी का धन हड़प रहे हों, परिस्थिति सेवन कर रहे हों, क्या कहीं चोरी करके आए हों, उसको झूठ बोल के आए हों, वो तो यहाँ वही नहीं लगेगा उसको, वो यहाँ बैठे ही। तो इतना जीवन तो है अपना, पांच पापों से कुछ तो विरक्त है, यदि नहीं होते तो निश्चित रूप से हम यहाँ बैठे नहीं होते। भले ही आज अपने उसको प्रतिमा व्रतादि के रूप में नहीं लिया हो, लेकिन अपना स्वाभाविक इतना जीवन तो होता है, जो अनुव्रत की भूमिका में जो आता है उतना जीवन एक आम आदमी का मन जैनी का जिसकी धर्म बुद्धि है उसका होते, क्योंकि उसमें स्थूल पापों का त्याग कराया है। श्रावक के अनुव्रतों में बहुत सूक्ष्म पापों का त्याग नहीं है, ऐसे ही है कि जिससे आपके ऊपर कोई आपत्ति नहीं आए, तकलीफ में नहीं पड़ो आप, राजा दंड नहीं दे और आपका जीवन भी निराकुल बना रहे, उतने ही पापों का त्याग कराया है। जैसे हिंसा में जानवरों को बंधन में नहीं रखना, उनको चाबुक से नहीं मारना, अति भारारोपण नहीं करना, अन्नपान का निरोध नहीं करना, अब अपना अपन का वो ऐसा यदि कोई करता है तो हिंसा कर रहा है। पहली बात तो अपने तो जानवर ही नहीं, लेकिन अपने भी जो सेवक लोग हैं काम करने वाले लोग, तो इतनी तो अपने में विवेक है ना, झूठ बोलने के अंदर झूठा लेख नहीं लिखना, किसी की धरोहर नहीं रखना, मतलब उसके सब पढ़ना, मैं तो बहुत अच्छे से उसको पढ़ा है और चिंतन किया है कि ये जिस तरह के उन्होंने अहिंसानुव्रतों में जो भावना कही है, ऐश्वर्यानुव्रत में जो भावना कही है, उतना एक सामान्य जैनी का जीवन आज भी है, वो ऐसे पाप नहीं कर रहा। हाँ महाव्रत की बात करो तो वो एक अलग चीज है, महाव्रत की सीमा में तो बहुत बारीकी आती है, एक अनुव्रत में तो स्थूल त्याग होता है, वो स्थूल त्याग। तो जैसा हो श्रावक दशा मुनि दशा होती है कैसी तत्वज्ञान होने पर, तो वो होती है तो उसको सारा आचरण अपने नीतराग भाव के अनुसार वास करता है, उसको कुछ अलग नहीं लगता है ये क्या कह रहे हैं ये क्या कह रहे हैं। जैसे जिसको रागादिक का अभाव होता है उसको त्याग सहज लगता है, जिसके राग नहीं होता है ना तो उसको सब उठपटांग लगता है, ये क्या बात है, प्रैक्टिकल नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं। अब वो राग होगा तो प्रैक्टिकल नहीं लगेगा, और राग जाने पर सहज। धर्म लोगों को कठिन लगता है, क्यों लगता है जैन धर्म कठिन, कि खाने की तो शौक है, सब दुनिया भर के शौक पाल रखे, तो जो क्या वो कठिन, हर चीज में कठिन, ये तो हो ही सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, क्योंकि राग तीव्र है, हर चीज का राग तीव्र, खाने को चीज सुबह से शाम तक चाहिए, कह दो कि तुम एक काम करो, एक नियम ले लो कि हम भले दिन में 10 बार खाएंगे, वो भी लेने को तैयार है। रागी है ना बिल्कुल तीव्र रागी क्या, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। देखो जिन लोगों ने बचपन से कभी रात्रि भोजन नहीं किया तो उनको लगता है कठिन है, सहज नॉर्मल क्या, मतलब उतना राग नहीं है खाने का, सहज भोजन तो कर ही रहे ना, पेट तो भर ही रहे, कोई ऐसा तो है नहीं कि अपन कोई बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जीवन जी रहे, पेट भर रहे बस, पेट इतना ही है, रात में नहीं भरा दिन में भरनी, टंकी भरनी है दिन में भरनी, स्वास्थ्य भी अच्छा सा बढ़िया। जिन घरों में रात को चूल्हा जलता है वो घर शमशान घट्टे के समान कहे गए, शमशान घट्टा भी अच्छा होता है एक्चुअली, क्योंकि शमशान घट्टे में जो है ना मुर्दे जलते हैं, मुर्दे यहाँ तो जिंदे ही जलते हैं, क्योंकि रात को जिंदे जीव जल जाते हैं उसके अंदर रसोई के अंदर, और रसोई बनाने में ही बहुत हिंसा है, खाने में तो है ही, बनाने में हिंसा है। इधर शास्त्र में लिखा है रात्रि का भोजन मांस के बराबर, मांस है तो एक तरह से, और खाने के दिन में बहुत सारी व्यवस्था हो सकती है। खैर अपनी बात, तो ये कहने का तात्पर्य है कि ये राग जाने पर ये सब सहज लगता है, और जिनके राग नहीं जाता है उनको हर चीज कठिन लगती है, उनको क्या करो बता। मैंने बताया था ना, एक जना एक मरने वाला व्यक्ति था, एक व्यक्ति उसको मैं देखने गया था, उन्होंने बुलाया था कि तो सुना दो कुछ, तो मैंने उनसे एक बात कही, मैंने कहा एक काम करो, इनकी कुछ त्याग व्याग नहीं हो, त्याग करो, घर वालों से बुला करो, मैंने कहा इनके
जमी करके त्याग है मंदिर कुछ त्याग। तो मैंने उनसे भाई साहब से कहा, मैंने कहा एक काम करो जमी करके त्याग करो। तो मेरे को ऐसे ऐसे जैसे कोई साफ सुन गया था, सुन ही नहीं। तो मैंने कहा अच्छा एक काम करो जीवन भर के लिए नहीं, चार दिन के लिए सही। और वो वेंटिलेटर पे थे कि उस पर सांस चल रही थी कैसी क्या कहती है उसकी। तो वो मैंने कहा इनको अब वास्तव में तो चार दिन भी बहुत है, मतलब चार दिन भी कोई रहने का कहा नहीं है, चार दिन के लिए छोड़ दो। तो सो गए बोला, कुछ सुनना उन्ना नहीं हमारे तुम्हारे, चार दिन के लिए भी त्याग करने को तैयार। मैंने परिवार वालों से पूछा कि इनको नहीं मालूम है क्या ये जाने वाले हैं। अरे बोले डॉक्टर ने सब कह दिए इनको, और हम कुछ भी कहे नहीं बोले इनको अच्छा लगा। तो मैंने कहा भैया मैं अभी और कुछ कहूँगा तो बुरा लगेगा इनको, और तो पता चला अगले भवन में कुछ बंधना क्या गए तो मैंने कहा आप ही लोग कर लो जो भी है। बोले इनको सुहा ही रहा है, मुखार मंत्र भी नहीं सुना रहा है, सुहा रहा है। तो मैंने कहा आप क्या चाहते हैं, इनको नहीं सुहा रहा है तब मैं सुनूँ और मैं सुन, मैं क्यों बुरा हूँ। मैंने कहा मैं कुछ नहीं कर सकते, देखो इन्होंने जिंदगी भर क्या किया उनकी पूरी हिस्ट्री पूछी 15 मिनट। 15 मिनट पूछने का जब मुझे मेरा पूरा उनका इतिहास सुना, मैं 5 मिनट भी रुका हूँ चला गया। मैंने कहा कुछ सिद्धि नहीं यार, मैं कोई मंदिर जी इसके संस्कार नहीं, कोई संस्कार नहीं। मैंने वो चार दिन के लिए भी आलू प्याज छोड़ने को तैयार नहीं हुआ था, नहीं हुआ। और क्या, मैंने कहा इससे तो है ना हम किसी ऐसे श्रोता के जाए जिसने जिंदगी के प्रवचन सुने हो, तो हम उसको कुछ नहीं भी बोलेंगे तो भी उसको हमारे को देख के प्रणाम को सुधर सकते हैं, क्योंकि धर्म की याद आएगी उसको। और ये तो मेरे को देखेगा और ये तो मैंने कहा मैं नहीं रहूँगा तो प्रणाम सुधरे हुए रहेंगे उसके, मैं जितनी देर रहूँगा तो प्रणाम बिगड़ जाएंगे उसके, आदमी की गति सुधरने की जगह बिगड़ेगी इसकी। इसलिए भला इसमें ही है कि मेरे को यहाँ से हटा लो यार। फिर भी माने नहीं, बहुत कहते रहे। मैंने कहा कि नहीं कुछ नहीं होगा, इस तरह से नहीं हो सकता एकदम अचानक कुछ भी, तुम चाहो मैं नमो का मंत्र सुना दूँ। मैंने उसका मन लगना चाहिए ना उसमें, उसका चित्त नहीं लगाओ, नमो का मंत्र मैं सुना दूंगा तो वो सुनाने से कुछ नहीं होता, आदमी का थोड़ा बहुत तो प्रणाम उसमें लगना चाहिए। तो सुहाए नहीं बात और अपन सुनाएंगे तो उसकी और अभिनय होगी और बल्कि और पाप बन जाएगा, तो इससे कुछ नहीं होगा क्या। ये बहुत चीज़ें जिंदगी भर कुछ नहीं किया जिस आदमी ने, उसको आप सोचो कि मैं मरण सुधार दूँ इसका या सुधर जाए इसका, बहुत मुश्किल है। और जिसने सुन रखा हो थोड़ा बहुत भी, तो मैं तो देखे ऐसे लोग भी जो देख के भले ही तो चेहरे पर प्रसन्नता आ जाए, मुँह से कुछ नहीं बोल पाए एक शब्द भी, लेकिन देख ले कि हाँ है तो आनंद आ गया, चित्त प्रसन्न हो गया, कम से कम संक्लिष्ट नहीं हुआ, चित्त तो विशुद्धि रही ना। हर चीज अचानक आप सोचो कि एकदम कोई इंजेक्शन डाल देगा कोई आदमी जाके वहां पे क्या कर देगा वो, मतलब जीवन भर तो किया नहीं, अब जब वो एकदम सांस वो है पूरी भयंकर शरीर में पीड़ा है, डॉक्टर ने मना कर दिया है, जैसे तैसे कर रहे हैं, तो ऐसे समय पे क्या हो, और कुछ शुरुआत ही नहीं हो कुछ भी नहीं। मैंने एक ही बात कही फिर भी मैंने कहा इतना करना कि जहाँ जहाँ की इन्होंने तीर्थ क्षेत्रों की यात्रा की हो याद दिला देना, जहाँ जहाँ भी तीर्थ क्षेत्र गए हो उसकी चर्चा कर लो आप लोग इनसे कि अपन ने कहाँ कहाँ की यात्राएं करी है, कौन कौन से मंदिरों के दर्शन किए हैं, इनके जो उनसे भी भगवान की प्रतिमा इनको अच्छी सी दिखती हो जिसमें इनके परिणाम अच्छे लगते हो वो याद करा दो, तो कम से कम भगवान जिनेंद्र में उपयोग रहेगा, बाकी तो सब ठीक है। त्याग व्याग तब जो तो इसलिए ऐसा है, मैंने जो जो कभी कभी क्या है तीर्थ क्षेत्रों के निमित्त से जिसके परिणाम सुधरे हो, जहाँ किसी तीर्थ क्षेत्र गए हो अच्छा लगता हो, तो बोले इनको बनेड़िया अच्छा लगता है, तो क्या बनेड़िया की कथा करना वो कुछ मत करना, बनेड़िया के आदिनाथ जितना भगवान जितना हो जाए उतना अच्छा बस। तो ये तो ऐसा है, राग जाने पर सब चीज़ सहज है, और राग नहीं जाने पर आदमी मौत के मुँह में भी हो तो भी छोड़ने का तैयार नहीं, गति गति का है ये वास्तव में, गति बंद का खेल है सब, जब खोटी गति बन जाती है जीव के निश्चित रूप से देव गति बन जाए आदमी के तो ऐसे भाव नहीं होंगे क्या, देव गति बनने पर कुछ ना कुछ संयम का भाव आता है, देव गति नहीं बंदी हो तो नरक गति बंदी हो या तिरंज बंदी हो तो किसी भी स्थिति में संयम धारण नहीं करेगा, एक नियम भी नहीं लेगा।
खुद ही बोल रहा है कि मैं अभी बचूंगा, और दो मिनट तक उसको ऐसा लग रहा है कि अब मेरे को अलग तरह की घबराहट हो रही है, और आनंद सिंह खुद ही बोलने लग गया ठीक है वो जितना है उसके प्रणाम में जितनी शक्ति में विशुद्धि हुई। हाँ तो फिर भी क्या है एक तत्वज्ञान पूर्वक जो होता है क्या होता है कि वो घबराहट से जैसा लोग अपने कुल देवताओं का नाम लेते हैं, मेरे को है बुद्ध बुद्ध लोगों का नाम लेते हैं, वो कुल देवता के रूप में याद करते हैं, वो कोई वीतरागता के लिए याद नहीं करते, क्योंकि यदि वीतरागता रूप से स्मरण करे आकुलता ही खत्म हो जाए। तो थोड़े बहुत संस्कार जिसका जैसा परिणाम होगा तो उसको ऐसी गति होगी। ऐसा जानकर श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ, क्या कहा श्रावक और मुनि धर्म के विशेष भेद प्रवेश सब जान लें कि श्रावक धर्म में क्या क्या होता है, मुनि धर्म में क्या क्या होता है, श्रावक धर्म के भी कितने दर्जे हैं, 11 प्रतिमा है ना श्रावक की, 11 प्रतिमा है, 12 प्रकार के व्रत हैं, तो ये भेद प्रवेश सब जाने पहले क्या, क्योंकि अपन जैसा अपन कोई माल खरीदने जाते हैं तो पहले पूरा देखते हैं अच्छे से, फिर देख के अपन एनालिसिस करते हैं कि ये अपनी जेब में कितना माल है, इसकी क्वालिटी कैसी है, और अपनी जेब के माल के हिसाब से अपन बराबर जो उस पैसे में जितना अच्छे से अच्छा आ सकता होगा वो अच्छे से अच्छा माल देख के ले लें। ऐसे जिनवाणी में तो सब तरह का निरूपण है, मुनि धर्म का भी निरूपण है, श्रावक धर्म का भी निरूपण है, दवाई तो सब तरह की है, आप अपनी जेब के माल के हिसाब से देख लो, मतलब आप अपने परिणामों के हिसाब से देख लो आपकी कितनी सामर्थ्य, उसमें तो सब है लेकिन आपको अपनी सामर्थ्य टटोलनी पड़ेगी, आप चाहो कि मैं बहुत ऊँचा करूँ लेकिन आपकी इतनी सामर्थ्य नहीं है तो आपको दुख होगा बात, इसलिए जितना अपने से सदे वैसे धर्म को आनंद पूर्वक अंगीकार करो और बराबर उसका मरते दम तक पालन करो। क्या मतलब मैं तो ऊँचा ही करूँगा नहीं तो करूँगा ही नहीं, ये बिल्कुल ये जो है ये तो ऐसा है मैं तो यदि साड़ी पहनूंगी तो 25 की पहनूंगी, ये तो मैं पहनूंगी नहीं तो क्या करेगी भाई कोई महिला की, मैं तो मेरे पीएम में इतने की पहनती थी और अब तुम मेरे को इतने की दिलाओ तो ठीक है तो मैं तो नहीं पहनूंगी, तो तू तो एक काम कर वहीं से लिया फिर जाके क्या जो होगा जो जितने में होगा उतना ही करना पड़ेगा ना, हमारी जेब में जो होगा ऐसा थोड़ी नहीं कि तेरी इच्छा उससे हो जाएगा, तू तेरे परिणाम देख ले कि तेरे परिणाम कितने हैं, वो चीज़ तो बहुत बढ़िया है कौन मना कर रहा है, उससे माल तो बहुत बढ़िया है लेकिन आपकी जेब में होना चाहिए उतना ज़्यादा, ऐसे आपके अंदर में होनी चाहिए इतनी सामर्थ्य, आपकी सामर्थ्य हो तो 25 का क्यों 50 कर लो बढ़िया काम करो क्या, ये बात है जैसा अपने को सदे वैसा धर्म अंगीकार करना, जानना सबको, जानने में इनकार नहीं, माल देखने में कोई तकलीफ नहीं, आप सब देखो क्या, क्योंकि अपने अपन ये देखेंगे सही ना क्या है अच्छा कितना कैसा क्या है, तो इसलिए आगे जब होगा माल तब खरीद लेंगे, देखने में क्या दिक्कत है, तो मुनि बनना तो है ना अपने को सबको, अपन जब बनना है तो आज अपन उसका स्वरूप तो समझेंगे कि स्वरूप कैसा है, उसका वास्तविक स्वरूप क्या है, क्योंकि हमें कल वो धारण करना है, इसलिए श्रावक मुनि धर्म के विशेष पहचान कर जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो, क्या जैसा अपना वीतराग भाव हुआ हो वैसा अपने योग्य धर्म को साध दे, कोई तो दूसरा ऊंचा कर रहा है तो भैया इसकी इतनी सामर्थ्य होगी इसलिए कर रहा, कोई नीचा कर रहा है अपने से हीन कर रहा है इसकी इतनी भी सामर्थ्य नहीं होगी इसलिए ऐसा कर रहा है ना, उसमें इसमें कोई किसी को हीन दृष्टि से और किसी को कॉम्पिटिशन वाला कोई काम नहीं, ये कोई साड़ी भाजी नहीं है ये क्या रे ये मेरी क्या इसका एकास नहीं है और मेरा उपवास है उससे क्या मतलब है भाई, उसकी साधना इतनी है समझ में, ये कोई अपने से जितना सदे अपन धारण कर लो अपना हित अपने से, सामने वाला ज़्यादा कर रहा है उससे अपना कोई हित नहीं, सामने वाला कम कर रहा है उससे अपना हित नहीं, क्या ये तो बैलेंस जो है 608 जी मोड़ जाएंगे 608 जाएंगे कोई भी जाए उसमें, वहाँ जितने अंश में वीतरागता होती है उसे कार्यकारी जानते हैं, उन क्रियाओं के साधन के माध्यम से जितने अंशों में कषाय मन हुई वीतरागता उसे कार्यकारी जानते हैं, और जितने अंशों में राग रहता है उसे हे जानते हैं, राग को उपादेय नहीं जानते, तत्वज्ञान जिसको होगा वो जो राग होगा शुभ राग हुआ उसको उपादेय नहीं जानेगा, जितनी वीतरागता हुई उपादेय तो वही शुभ राग है बढ़िया है पाप से हटकर इसमें आए, लेकिन वास्तव में तो वीतरागता है मैंने शुभाशुभ समस्त राग का अभाव होकर वीतरागता प्रकट करना वो उपादेय, इसमें अटकता भी
मैंने तत्वज्ञानी की विशेषता है कि वो इसमें अटकता नहीं, वो इसको साधन बनाता है। ये साधन है, धर्म साधन है, धर्म के सारे अंग है ये सब, इन अंगों का साधन करके और जो मूल धर्म में वीतराग का उसको प्रकट करने का अभ्यास करता है। तो जितना वीतराग का प्रकट होती है उसको उपाधि जानता है, और जितने अंशों में राग रहता है चाहे वो शुभ राग हो उसको उपाधि नहीं मानता, उसको भी हे जानता। संपूर्ण वीतरागता को परम धर्म मानते हैं, मानने में क्या मानते, किसको धर्म, संपूर्ण वीतराग। ऐसा चरणानियों का प्रयोजन है, चरणानियों का प्रयोजन, ठीक है। अब देखो अंतिम क्या है, द्रव्यानियोग का प्रयोजन। अब द्रव्यानियोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानियोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। किसका निरूपण करते हैं इसमें, द्रव्य तत्व, तत्व ज्ञान, द्रव्य ज्ञान, द्रव्यों का द्रव्य गुण पर्याय, जीवादि सात तत्व, इनका सात तत्व नौ पदार्थ, पुण्य पाप और जोड़ दो सात तत्व हुए, इनका निरूपण करके जीवों को कायम लगाते हैं, धर्म में लगाते हैं। चारों नियमों का प्रयोजन क्या है, जीवों को धर्म में लगाना। जो जीव जीवादिक द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपा पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नय आदि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है कि जिससे उनको प्रतीति हो जाए। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। क्या कहा, जो जीव तत्व को नहीं जानते, द्रव्यों को नहीं जानते, सफल भेद ज्ञान अपने और पराये को भिन्न भिन्न नहीं जानते, तो उनको इसमें हेतु देते, हेतु माने हेतु वाक माने कारण, हेतु तर्क। इस हेतु जैसे यहाँ पर आग है, धुआं देखा और यहाँ पर आग है, हेतु क्या है कि धुआं उसका हेतु है, काय का, अग्नि का, क्यों, क्योंकि धुएं के बिना अग्नि के बिना धुआं नहीं होता, यदि अग्नि नहीं होती तो धुआं नहीं होता, धुआं हुआ है तो धुआं अग्नि का हेतु है, ऐसे हेतु से सिद्धि करते। देखो ये सुख दुख की अनुभूति हो रही है ना, तो यहाँ चेतनता विद्यमान, चैतन्य है, जीव है, तो हर चीज को हेतु से समझाते, मैंने ऐसे ही नहीं, हर चीज का कारण बताएंगे, लॉजिक तर्क देंगे, बिना तर्क के सिद्धि नहीं कराएंगे, तर्क से उदाहरण दे देंगे, एक उदाहरण से, दो उदाहरण से, अनेक उदाहरणों से अपनी बात को स्पष्ट किया जाएगा। युक्ति, युक्ति माने यदि ऐसा नहीं मानते समझ लो तो इससे क्या दिक्कत आती, और ऐसा मानने से क्या क्या गुण होते हैं, मानने से क्या फायदा है, नहीं मानने से क्या नुकसान, ये तुम ये नहीं मानते हो समझ लो इस बात को, तो इसके देख लो सारे डिसएडवांटेजेस क्या, ये नहीं मानने में क्या क्या तकलीफ है, मानने में क्या क्या, मतलब कोई भी चीज जैसे अपन कहते ना, समझ लो अपन इसको झूठ मान लो तो झूठ मानने से क्या है, सच मानने से क्या है, ऐसा पूरी तरह की युक्तियों से, हेतु से, दृष्टांत से, युक्तियों से, एक तो इनसे और दूसरा प्रमाण नय आदि द्वारा, मैंने प्रमाण से, नय से, निश्चय नय से, व्यवहार नय से, व्यवहार नय के भेद प्रभेद द्वारा, निश्चय नय के भेद प्रभेद द्वारा, द्रव्यार्थिक नय से, पर्यायार्थिक नय से, सब तरह से जिस तरह से उसको स्वपर का भेद ज्ञान प्रकट होता है, जैसे जैसे उसके उसके चित्त में भेद विज्ञान उत्पन्न हो, यह मूल प्रयोजन है द्रव्य का। क्या, पर पदार्थों से भिन्न अपने आत्मा की रुचि प्रकट, क्योंकि जीव जो है पर द्रव्य में अपनेपन की बुद्धि कर रहा है, पर में आपापन की मान्यता कर रहा है, पर कोई अपना मानता है तो ये बराबर पर का और अपना स्वरूप बताता है, बताता है कि देखो ये द्रव्य भिन्न है, ये पुद्गल है, तो जीव ये तुम और ये एक कैसे हो सकते हैं, तो सब तरह से उदाहरण दे के बता के, सब दृष्टांत दे के, हेतु दे के, युक्ति दे के इस बात को सिद्ध करें, जिससे तत्काल पर में अपनेपन की बुद्धि समाप्त हो, क्योंकि पर में अपनेपन की बुद्धि जब तक नहीं मिटती तब तक पर में राग भी नहीं मिटता। चरणानियों जो चीज ये पर को छोड़ो, ये नहीं कहता पर को छोड़ो, ये कहता ये तो पर है, इससे अपने को प्रयोजन से धोता ही नहीं, अब तुम जो करना हो करो, पर को पर बताने का काम है द्रव्यानियों का,
ये पर पदार्थ हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद सब पर द्रव्य हैं, ये अपने हैं नहीं, देह अपनी नहीं है। जहाँ देह अपनी नहीं है वहाँ अपना और कौन हो सकता है। ये द्रव्यानियोग का उद्देश्य है। द्रव्यानियोग में पूरा का पूरा बल भेद विज्ञान पे, क्योंकि द्रव्यानियोग मानता है कि जब तक स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं होगा तब तक ये जीव पर में राग करना नहीं छोड़े। तो जिसको अपनी मानता है उसमें राग करता है, तो पर में अपनापन है इसलिए उसमें राग करता है। अपनापन जानता है राग आगे नहीं रहता, तो पराया पन आता है तो राग नहीं होता। अपनापन है, अपनापन मिटे, माने पर द्रव्यों में अपनापन मिटे, उसके लिए सारे उदाहरण करें, वर्णन किए प्रमाण से, नए सिंह से वर्णन किया, जिससे उसको प्रतीति हो जाए। प्रतीति माने उस बात का विश्वास हो जाए। भिन्न भिन्न है लेकिन भिन्न भिन्न होने पर अपने को प्रतीति नहीं है, तो अपने लिए कोई कार्य, अपने लिए भिन्न भिन्न नहीं, अपने लिए तो एक और है ना। जीव और शरीर और आत्मा तो भिन्न भिन्न है, लेकिन भिन्न भिन्न किसके लिए, जो भिन्न भिन्न जाने उसके लिए। जो भिन्न भिन्न न जान के उसको एक जाने वो तो दुखी भोग रहा है। समझ में आई बात है, तो दोनों अलग अलग ही, लेकिन हम तो हमारी मान्यता में अलग अलग हो तो हम उसका आनंद भोगे, हमारी मान्यता विपरीत होती है तब तो दुखी भोगते उससे। इसलिए इसको इस तरह से ज्ञान कराया जाता है जिससे उसको प्रतीति उत्पन्न होने, उसका विश्वास उत्पन्न हो। यहाँ इसमें द्रव्यानियोग में श्रद्धा को ठीक करना है, आपका आचरण को उससे कोई मतलब नहीं, आपकी बुद्धि का ब्रेन वॉश करता है, माने कि आपकी बुद्धि में बात फंसनी चाहिए कि ये पर पदार्थ है और मैं तो एक केवल निज आत्मा हूं। यदि ये प्रतीति नहीं है, भले हमने द्रव्यानियोग रट भी लिया, पढ़ भी लिया, तो वो कहते हैं सब तोता रटते, जैसे तोता रटता है, चिड़िया आती है जाल मिलाती है फंसना नहीं, शिकारी आता है जाल मिलाता है फंसना नहीं, ऐसे ये भी कहता है जीव जुदा है, उद्गल जुदा है, अपन तो कोई और ही है, तो कार्यकारी नहीं। कार्यकारी तब है जब उसकी प्रतीति अंदर में हो, प्रतीति माने वैसा विश्वास, अंदर में वैसी श्रद्धा उत्पन्न हो क्या ऐसा ही है। तो ये करता है, उससे क्या होता है, इसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती, मिथ्याता दूर होता है, इसका सीधा डायरेक्ट फल ये है, ये सीधे डायरेक्ट चोट करता है सीधे मिथ्यात्व, क्योंकि मिथ्यात्व क्या, देह जीव को एक गिने, शरीर आत्मा को एक मानना मिथ्यात्व, और ये उसी के ऊपर चोट करता है। ऐसा काम ही वही वज्र के हथौड़े मारता उस मान्यता को, हे जीव तू इस अनादि अज्ञान मान्यता को छोड़ छोड़ छोड़, तूने इस मान्यता को अनादि काल से गले लगा रखा है, इसी कारण तो दुख भोग रहा है, देह में अपनापन करके दुख भोगता है, और इसलिए तेरे को भाव भाव में देह मिलती है, तो इससे प्रेम करेंगे तो क्या मिलेगा, देह से प्रेम करेंगे तो नहीं देह मिलेगी, देह से प्रेम करना छोड़ देंगे तो नहीं देह मिलना बंद हो जाएगी। तो इसलिए इसका फल ये है, इसके फल से अनादि अज्ञानता, अनादि काल का जो मिथ्यात्व है वो नष्ट होता है। जिसको मिथ्यात्व का अभाव करना है उसको इसका अभ्यास अति आवश्यक है। बाकी तीन अनियोग धर्म में लगाते हैं, इनडायरेक्ट रूप से धर्म की प्राप्ति कराते हैं, और ये सीधे डायरेक्ट धर्म की बात करते हैं। तो किसी को कोई भी कोई कोई जीव ऐसे भी देखे मैंने जो सीधे जो है कोई प्रथमा नियोग के अभ्यास से लगे, कोई सीधे द्रव्या नियोग के अभ्यास से लगे, कुछ नहीं सुना, ये बात सुनी तो बात एकदम खजत ही नहीं सुनी, लग गए दर्द। सब तरह के लोग होते हैं, सबकी रुचि अलग अलग होती है, कोई कैसे लगता है, कोई कैसे लगता है, कोई कैसे लगता है। इसलिए तो मैंने कहा कोई एक हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं बना सकते हम, क्योंकि जीव अलग अलग तरह के, एक अपन फिक्स पहले ये पढ़ना चाहिए सबको, ऐसा कुछ नहीं, चारों ही अनियोग कार्यकारी। इसलिए मैं तो जो सिलेबस वगैरह भी जो अपन ने बना रखा है, अपन ने चारों अनियोग का समावेश किया, श्रावक के भाव व्रत अभक्त सदाचार ये सब पाठ भी अपन ने पढ़े नहीं पढ़े, तो साथ में छह द्रव्य सात तत्व कर्णानियोग का अपने कर्म सिद्धांत नहीं पढ़ा, तो प्रथमानियोग की माई भगवान आदिनाथ भगवान प्रधान, चारों अनियोग हो, चारों अनियोग का बराबर ज्ञान, कोई भी अनियोग कच्चा नहीं रहता। ये तो खैर कार्यकारी है ही, सबसे अधिक कार्यकारी है इसका, क्योंकि ये मिथ्यात्व को दूर करने के लिए अचूक औषधि है। जिसको अपना मिथ्यात्व दूर करना है वो तो निरंतर इसका अभ्यास करे, निरंतर, क्योंकि क्या है, अपन यहाँ पढ़ते हैं ना तब तक अपने पढ़ना अच्छा,
सब भिन्न भासता, सब एक भास करता वापिस कर जाता, इसलिए इसका अभ्यास सतत आवश्यक है। दूसरा देखो, अन्यमत कल्पित तत्वाधिक झूठ भाषित हो, अन्य मतों ने जो भी तत्व कहे तो इसके जिनमत के कहे गए तत्वों का अभ्यास होने पर अन्य मत के कहे गए तत्वाधिक झूठ भाषित होते, उनका सारा दर्शन ही झूठ भाषित होता है। एक बार अपन सच्चा तत्व स्वरूप पढ़ लो, तत्व ज्ञान कर लो, जीवादिक क्षेत्र को जान लो, अनादि निधन है, तो कोई कितने कहे भगवान ने बनाई है, इस दिन फलानी तारीख को नष्ट होने वाली है, इनकी आँख खुलने वाली है, समाने वाली है, कुछ भी बोलो तो ये अनादि निधन है, वस्तु का स्वरूप तो ऐसा है। तो अन्य मत की सारी बातें अपने आप झूठी लगने लगती, जब एक सच्ची बात समझ ले हजार झूठी बातों का अपने आप निराकरण होता। तो अन्य मत के कहे गए जो कल्पित तत्वादि के झूठे भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति होती है और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखे, किनके भाव को, तत्व के भाव को, भाव वासना का अभ्यास रखे, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। क्या बात है भैया, एक बोर्ड लगा के रखूंगा आप कल से, क्या कृपया इसको मौन रखे, निर्विकल्प रखे इसको। क्या कह रहे हैं देखो, उसको देख लेना बाद में, बस 5-7 मिनट लगेंगे, कुछ नहीं होएगा। क्या कहा आपने, उनके भावों को पहचानने का अभ्यास रखे, किनके भाव को, तत्व को, उसकी भाव भावभाषना करे, शब्दों में नहीं उसके भाव को पहचाने, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। इनकी इनके भाव को पहचानने का अभ्यास करें तो तत्व के स्वरूप, तथा जिनके तत्व ज्ञान हुआ हो, छोड़ दूं, कल ही करेंगे फिर उसके बाद अगली बार, या पढ़ ली चार सबके फोन बजते तो मेरे पास आकुलता हो जाती, कोई बुला लाओ किसी को बाहर। तथा जिनके तत्वज्ञान हुआ हो, वे जी द्रव्यानियोग का अभ्यास करे, तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार यह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। क्या जिसने अपने आप पहले ही तत्वज्ञान का अभ्यास किया है, तो इसको पुनः और पढ़ेगा तो उसको जो उसका श्रद्धान है उसी के हिसाब से सब सही लगता है, उसका और उसमें रुचि बढ़ती रहती है, और पढ़ने का और मन करता है। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही अपने श्रद्धान के अनुसार भाषित हो, जैसा अपने का श्रद्धान हो वैसे यहाँ लिखा हो, तो वो तो बारंबार उसको पढ़ने में रस लगता है, और श्रद्धान कुछ और हो और यहाँ कुछ और लिखा है तो पढ़ने मन नहीं लगता, नहीं ये क्या क्या लिखा है। जिनवाणी इसलिए जिनवाणी जो है ना, जिसका मिथ्यात्व कम हुआ हो, गला हो थोड़ा, जिसकी थोड़ी बहुत प्रतीति सच्ची उत्पन्न, थोड़ी बहुत भी सच्ची सच्ची प्रतीति के रास्ते पे हो, तो उसको जिनवाणी पढ़ना लुस्ता, क्योंकि जिनवाणी में अपनी मान्यता है कि खिलाफ बातें होती है। अब अपने को ऐसा लगता ही नहीं हो कि अपनी मान्यता कुछ खोटी है, तो अपने को सब लगता है क्या लिखा है। जिसकी थोड़ी भी मान्यता सही सही और सम्मुख होता है, सच्ची मान्यता के सम्मुख होता है, तो उसको पढ़ने में रस आता है, यहाँ बात सच्ची लिखी है और अपनी मान्यता है सभी। देखो उदाहरण दिया, जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे, किसका, विद्या का, तो एक याद रहती है, और ना करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ, किसको हुआ, जीव को। परंतु यदि तत्व के प्रतिपादक उसके प्रतिपादक द्रव्यानियोग का अभ्यास करता रहे तो वो तत्व ज्ञान रहता है, और ना करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्वज्ञान हुआ था और नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए, तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती, तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सकता है। इस प्रकार द्रव्यानियोग का प्रयोजन क्या है, तीन बातें कही हैं। सबसे पहले तो ये कि किसी ने यदि तत्वज्ञान कर भी लिया है, तो उसके लिए भी ये तत्वज्ञान का अभ्यास निरंतर करना जरूरी है। क्यों, भूल जाए, विद्या ऐसी है जो निरंतर अभ्यास में रहती तो याद रहती है, तो भूल जाते हैं। ऐसी वगैरह तत्व ज्ञान कर भी लिया हो तो भी उसके लिए ऐसा नहीं कि अब तो मैंने तो पढ़ लिया है इसलिए मेरे लिए कोई जरूरी नहीं, वो कह रहे ये बारम्बार करेगा तो उसका अभ्यास बना है। एक बात तो ये, दूसरा पॉइंट ये कहा कि तुमने अभी संक्षेप में समझा है, अभी जो भी समझा है
अब तुम थोड़ा इसका विस्तार से समझो तो तुम्हारा श्रद्धा और दृढ़ होगा, क्योंकि जो तुम अभी समझ रहे हो बहुत शॉर्ट है और वो श्रद्धा कभी भी डगमग हो सकता है। जब उसको विस्तार से अच्छे से गहराई से समझ लोगे तो नहीं होगा। तीसरा बात कि इसके अभ्यास से रागादि घटते हैं। किसके? भेद विज्ञान के अभ्यास से, द्रव्यान योग के अभ्यास से, तो सीधे रागादि घटाने का साधन है, क्योंकि इसमें तो पर द्रव्य है, पर है, पर है, इसमें राग करने का पर नरक निगोध है, तो राग घटे ही ना। और इसका राग घटेगा तो उससे क्या होगा, शीघ्र मोक्ष प्राप्त करता है। इस प्रकार से इसका भी ये प्रयोजन, इस प्रकार ये चारों यमियों का ही प्रयोजन है, इसलिए चारों यमियों अपने लिए कार्य। तो अगली बार अपन जो अपनी कहानी थी ना, अपन ने एक एग्जाम्पल दिया था, किसका दिया था एग्जाम्पल, ध्यान है किसी को? एक माँ बेटी का उदाहरण दिया था मैंने, बेटी को बेटे को पाँव में कांटा लग जाता है, तो वो उदाहरण भी अपना एक ही अनियोग पे घटाया, अभी तीन अनियोग पे घटाना बचा है, वो उस उदाहरण को अपन अगली क्लास में तीन अनियोग पे घटाएंगे, ठीक।